ऑप्शन है सेव का जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं तो उसको सेव करके रखना होता है महफूज करके रखना होता है तो उसके लिए सेव का इस्तेमाल करते हैं जिसका शॉर्टकट किया जैसा कि अभी देखिए हमारे पास ये नया फाइल मौजूद है जिसको हम सेव नहीं किए हैं इसको हम सेव करना चाहते हैं तो जैसे हम शॉर्टकट की कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा या यहाँ से हम फाइल पे जाएंगे उसके बाद यहाँ से हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव करने का ऑप्शन आ गया है सबसे पहले हम लोकेशन चूज कर लेंगे कि हम कहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं किस फोल्डर में रखना चाहते हैं तो चलिए हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे डेस्कटॉप टॉप सिलेक्ट किए यहाँ पे देखिए फाइल का नाम का ऑप्शन आ गया किस नाम से आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं फिर यहाँ से हम डेस्कटॉप का लोकेशन चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं डेमो और यहाँ से हम जैसे सेव पे क्लिक करेंगे ये फाइल हमारा सेव हो चुका है तो चलिए यहाँ पे देखिए ये डेमो नाम से डेस्कटॉप पे एक फाइल आ गया है उसके बाद का ऑप्शन है सेव एस का जिसका शॉर्टकट की है F12 यानी कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है उसका जो आखिरी बटन है F12 उसके जरिए से हम सेव एस का इस्तेमाल कर सकते हैं सेव एज उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप फाइल बनाए हुए हैं लेकिन उसी फाइल को किसी और नाम से भी सेव करके रखना चाहते हैं या उसमें कुछ और ऐड किए या कुछ उसमें से कुछ डिलीट कर दिए हैं और उस फाइल को किसी और नाम से सेव करके रखना चाहते हैं उस वक्त सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है जिसका शॉर्टकट की है एफ टूवेल्व जैसा कभी ये फाइल हमारे पास पहले से मौजूद है जो टेस्टिंग फाइल के नाम से सेव किया हुआ है इसको हम दूसरे नाम से सेव करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे जैसे हम एफ टूवेल्व दबाएंगे तो ये देखिए फिर से सेव करने का ऑप्शन आ गया यहाँ हम दूसरा नाम देकर के इसको सेव कर सकते हैं या हम यहाँ से फाइल मेनू में जाएंगे सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी लोकेशन चूज कर लेंगे यहाँ से डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पे टेस्टिंग फाइल के नाम से पहले से ये फाइल हमारा मौजूद था लेकिन हम इसको किसी दूसरे नाम से भी सेव करके रखना चाहते हैं तो चलिए हम इसी में और ऐड कर देते हैं one, two, three, टेस्टिंग फाइल और यहां से हम सेव पे क्लिक कर देते हैं अब देखिए एक और फाइल यहाँ पे बन करके रेडी हो गया डेस्कटॉप पे टेस्टिंग फाइल वन टू थ्री यानी एक ही फाइल को आप दो नाम से सेव करके रखना चाहते हैं या उसमें कुछ और इजाफा कर दिए कुछ ऐड कर दिए है उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है उसके